तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि चिंग्स सीक्रेट के जस्ट सोक वेज हक्का नूडल्स को कैसे बनाना है। बाकी सारे नूडल्स को 2 से 3 मिनट तक हमें पानी में उबालना पड़ता है, बट चिंग्स सीक्रेट के जस्ट सोक वेज हक्का नूडल्स को हमें उबालना नहीं पड़ता, बट पानी को उबाल के गैस को ऑफ करके उसमें सोक करके 6 से 7 मिनट तक रखना पड़ता है। मीन्स गैस को ऑफ करके नूडल्स को डाल के ढक के छोड़ देना है 6 से 7 मिनट तक, और ये खुद ब खुद गल जाते हैं। 6 से 7 मिनट के बाद आप देखो ये नूडल्स बिल्कुल 90% तक गल गए हैं, जो परफेक्ट चाहिए हमें चाउमीन बनाने के लिए। और अब ये देखो परफेक्ट है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, वाइट ऑयल, ताकि ये सारे नूडल्स सेपरेट हो जाएं। एक पैन लिया, पैन में डाला 2 से 3 टेबलस्पून वाइट ऑयल और उसमें डाल दिया ढेर सारा चॉप्ड लहसुन, हरी मिर्चें, और फिर डाली इसमें सूखी लाल मिर्चें। सूखी लाल मिर्च के बाद बारी आती है प्याज की, तो ये 2 बड़े प्याज स्लाइस करके उन्हें भी डाल दिया मैंने। और फ्राई करना है इन्हें 30 से 40 सेकंड तक, बस इनका कच्चापन निकल जाए बट क्रंच ना जाए। प्याज को फ्राई करते 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं, और अब मैं डाल देती हूँ इनमें सारी वेजिटेबल्स जो मेरे पास घर में अवेलेबल थी, जैसे कि गाजर, बंद गोभी और कैप्सिकम। आप चाहो तो स्प्रिंग ऑनियंस और बीन्स भी डाल सकते हो, नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अब पिंच ऑफ अजीनोमोटो और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला नूडल्स में बहुत अच्छा लगता है, आपने अगर कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताएं। तो ये अब मैंने ऐड कर दिया है जस्ट सोक चिंग्स का जस्ट सोक वेज हक्का नूडल्स। चाओ ये नूडल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनमें मैंने डाला सोया, डार्क सोया सॉस, और चिंग्स की सिजवन चटनी भी डाल दी। अच्छे से टॉस करें, मिक्स करें, और ये रेडी है खाने के लिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए और वेज ये जस्ट सोक का जो रिव्यू है वो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन भी प्रेस करना, ताकि न्यू वीडियोस की, रेसिपीज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।